शरीर का योग आसन इससे करना मानुष नहीं तो सिद्धाभ्यास है, और ये सब भार सब भर के बहुत प्रयत्न से कठिन यत्न से करना देहाभ्यास करना राक्षसाभ्यास है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय है योगाभ्यास। इसलिए आपकी चेष्टा में जो कर रहे हैं वो सब अपूर्ण है, विचेष्टा में नाट्य आदि प्रक्रिया में कर रहे हैं वो अपूर्ण है, और आपका जो क्रिया जो बोलते हैं आपका काम में जो जो कर रहे हैं चलन चालन वो सब अपूर्ण है। आप क्रीड़ा के लिए बच्चों लोगों को भेजते हैं, बहुत लोग ये हसीना के साथ जितने खेल रहे हैं वो भी अपूर्ण प्रक्रिया है, और देहाभ्यास जो जो कर रहे हैं वो अपूर्ण मात्र नहीं है अपाय प्रक्रिया भी है। इसलिए उपाय प्रक्रिया उत्तम प्रक्रिया उन्नत प्रक्रिया देहाभ्यास हमारी योग संप्रदाय की प्रवृत्ति में ही होगी, इसलिए सब उसका अनुवर्तन करना है। इसलिए वहां एक व्याख्यान में हम ये समाधान उनको दिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अवस्था पंचक नहीं तो प्रकार पंचक बोलते हैं। ये योग रूप में ऐसा एक स्थिति में रखने के समय में क्या होता है, पद्मासन मूलासन वज्रासन कुदपादासन पश्चिमोत्तासन उत्तमोत्तासन धनुरासन मकरासन कुंभासन, ये सब रखने के समय में शरीर में क्या हो सकता है, उसको फल चतुष्टय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल चतुष्टय, चार प्रकार की प्रगति शरीर में होता है। मार्गोद्घाटनम, मार्ग उद्घाटनम मार्गोद्घाटनम, ग्रंथिमोचनम चालनम, ऊर्ज तेजो वृद्धि, ऐसा चार प्रकार की प्रगति हमको मिल जाती है। मार्गोद्घाटन मैंने हमारी जो स्थूल शरीर है आप जानते हैं शरीर विज्ञान एनाटॉमी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर विज्ञान को माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं नहीं तो सटल बॉडी फिजिक्स। वो सूक्ष्म देह विज्ञान में अभी हम तो देख रहे हैं ये रुधिर कोश ये श्वास कोश ये तो जीर्ण कोश ये मल कोश और रक्तनाल ऐसे बहुत कुछ बताते हैं, वैसे तो हम तो सूक्ष्म में क्या बताएंगे, ये तो मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाखत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार इटा पिंगला सुषुम्ना मेरु मूला मेरु दंडा, ये सब मनोमणि आज्ञा ये सब तो बहुत नामों से बोलते हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर शास्त्र। ये शास्त्र में बहुत मार्ग है, आपका उपयोग के बिना वो मार्ग सब बद्ध है। एक अच्छा रास्ता है जिसमें शक्ति प्रवाह हो सकती है लेकिन वो मार्ग तो अभी बद्ध है, क्यों आप नहीं जानते उपयोग नहीं किए हैं। ऐसा एक वज्रासन में कुछ न कुछ आसन हो उसमें बैठने के समय में वो मार्ग उद्घाटन होता है। आप जानते हैं कि एक आदमी एक संस्था में काम कर रहा है, यदि एक आदमी से उनको 1,000 रुपया मिल जाता है महीने के लिए, जितने आदमी लोग अधिक मिलता है उतना उनको पैसा ज्यादा कमा सकता है ना। ऐसा हमारे शरीर में बहुत ऊर्ज का नाल है, लक्ष लक्षों से अधिक नाल है जिसमें हम कम से कम 200-300 का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उसी भाव से हम एक आसन पर बैठेंगे तो तब हमारा शरीर के अंतर्गत जो मर्म नाल है उसका उद्घाटन हो सकता है, वो तो मार्गोद्घाटन। और अनुपयोग से उपयोग के बिना हमारे शरीर में बहुत प्रकार में ऐसा आपका घर में जो जलधारा है जल गति है, पाकशाला में जल गति होगी, उसमें उपयोग नहीं करेंगे तो उसमें सब कश्मल होगा, फिर कश्मल या ग्रंथि होके फिर उस समय में पानी उसके द्वारा नहीं हो सकता है चल सकता नहीं। ऐसा भी हमारे शरीर में उपयोग के बिना अनुपयोग से नहीं तो कुप्रयोग से बहुत कश्मल मिलके ग्रंथि हो सकता है। ये शरीर का जो शक्ति मार्ग है वो शक्ति मार्ग में ग्रंथि मिल जाता है, वो ग्रंथि से विमोचन होगा ये योगासन करने से, नया मार्गों का उद्घाटन। जो मार्ग था वो मार्ग में अभी कश्मल से वो बंधित है वो ग्रंथियों से विमोचन होगा। और तीसरा तो चालन, जहां शक्ति का स्थिति है शक्ति तो उपलब्ध है लेकिन वो शक्ति तो नहीं चलती है। आप जानते हैं कुछ ना कुछ होगा तो वो पानी नहीं चलेगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ होगा वो द्वार को आप निकाल के शुद्ध कर देंगे तो वो फिर पानी चलेगा, वो ग्रंथि से विमोचन। और जो स्थगित शक्ति है स्थगन पूर्वक शक्ति है वो स्थगित शक्ति को चालन। ऐसा चक्र है, बहुत चक्र है मेरे शरीर के अंतर्गत, वो बहुत बड़ा मुख्य चक्र तो अभी षट चक्र हमने बताया, इससे अलावा बहुत चक्रों का न्यास है शास्त्र में दिया है, वो सब तो मंद गति में चलती है नहीं तो अवम गति में अनुलोम गति में चल रही है, इसको संचालन करने में योग स्थान हमको बहुत उपयोग करता है। और ऐसा नया मार्गों का उद्घाटन, जो रुकावट है ग्रंथि उससे विमोचन, और जो स्थगित शक्ति है उसका संचालन और प्रेरण,
ये सब करने में शरीर में ऊर्जा और ओजस होता है, ओजस तो तेजस हो जाता है। यदि आपका बल शरीर के अंतर्गत है उसको हम ओजस बोलते हैं, यदि वो ओजस दिव्य कांति से दूसरे लोग देख सकते हैं उसको तेजस बोलते हैं। इसलिए अदृश्य शक्ति को ओजस बोलते हैं, यदि वो अदृश्य शक्ति दृष्टिगोचर हो जाती है वो शक्ति को हम तेजस बोलते हैं। इसलिए बाह्यगत शक्ति को तेजस और अंतर्गत शक्ति को ओजस बोलते हैं, वो ऊर्जस की वृद्धि ये सब योगाभ्यास से हो सकता है। इसलिए योगाभ्यास से ग्रंथियों से विमोचन, मार्गों का उद्घाटन और दिव्य शक्ति और चक्रों का संचालन, जिससे ऊर्जा उत्पत्ति, ऊर्जा से ओजो उत्पत्ति, ओजो उत्पत्ति से तेजो उत्पत्ति, ये सब इसको क्या बोलते हैं, फल चतुष्टयम्। ये बहुत योगाभ्यास करने से ये फल हमको मिल जाता है और शरीर के लिए भी बहुत रोग मिल जाता है ना, शरीर में जितने बीमारी है, नया नया बीमारी जितने दवाई वो आविष्कार कर सकते हैं उससे 10 गुना अधिक बीमारी आ जाता है। यदि एक दवाई वो लेते हैं निकलते हैं फिर 10 बीमारी नया बीमारी आ जाती है। इसलिए यदि एक प्रतियोगिता दृष्टि से देखेंगे दवाई ज्यादा है बीमारी ज्यादा, बीमारी तो ज्यादा है दवाई बहुत कम है, इसलिए नए नए रूप में वो तो आते जाते रहता है। वो सब व्याधियों का मूल क्या बोलते हैं, नियमोल्लंघनम। जिस नियमों पर आधारित आपका जीवन होना चाहिए वह नियम से आप अतिक्रमण कर दिए, नियम उल्लंघन से व्याधि है। हम अभी नहीं किए हैं, इसको पहले ही किया होगा इसलिए वो जन्मांतर होगा, नहीं तो जन्मांतरगत होगा। इसलिए नियम उल्लंघन, मनोविकार शास्त्र में बोलते हैं और होम्योपैथी और आयुर्वेद में बोलते हैं, मन विकार से व्याधि बढ़ जाती है और मन निर्विकार से दवाई की शक्ति बढ़ जाती है। निर्विकार मन से दवाई की शक्ति बढ़ जाती है, सविकार मन से व्याधि की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मन तो एक बहुत उपलक्षित और संरक्षित वस्तु है, मन का ज्ञान के बिना परिपूर्ण स्वास्थ्य की संपत्ति तो असंभव है। इसलिए दूसरा तो मन विकार, तीसरा तो प्रदूषण, प्रदूषण से बहुत व्याधि है, और विपत संजात और विपत जात, विपत से जो जो मिल रहा है वो तो विपत जात, परंपरागत वो परंपरा से जो आ रहा है, और व्यागत दूसरे एक आदमी है पड़ोसी उनसे जो आया वो तो व्यागत। इसलिए व्यागत परंपरागत प्रदूषण से और हमारा नियमों उल्लंघन से मन विकार से ये 6 प्रकार का व्याधि मूल है। इसलिए जो क्रूर व्याधि बोलते हैं, घोर व्याधि बोलते हैं, स्थिर व्याधि बोलते हैं, आवृत व्याधि बोलते हैं, व्याप्तवादी बोलते हैं, व्याधि में 5 प्रकार की व्याधि, जो व्याधि धीरे धीरे उनको मारेगी वो व्याधि को हम क्रूर व्याधि बोलते हैं। जो व्याधि एक आदमी का लक्षण को अपलक्षण करेगी उसको हम घोर व्याधि बोलते हैं, वो आदमी को नहीं देख सकते घोर व्याधि बोलते हैं। जो व्याधि बहुत प्रेम से वो शरीर में बैठ के बाहर चलने के लिए नहीं रोजती है वो व्याधि को हम स्थिर व्याधि बोलते हैं। ऐसा आवृत व्याधि, जो व्याधि तो एक दिन चल जाता है फिर दूसरा दिन और परिवार के साथ वापस आ जाता है उसको आवृत बोलते हैं। जो व्याधि आपको आके फिर आपका घर में जो आदमी है पड़ोसी है किसी को भी नहीं छोड़ता है वो तो व्याप्त व्याधि बोलते हैं। ये सबके लिए यदि योगाभ्यास में एक आदमी को वो बल जोड़ना, योगाभ्यास तो अलग है योग बल तो अधिक अलग है, योगाभ्यास अलग है योग बल अधिक अलग है। इसलिए योगाभ्यास करने के वालों को ये व्याधि तो अवश्य आ जाता है, योग बल के साथ जो रहते हैं उनको ये नहीं आ सकता है। इसलिए योग बल मिलने के लिए 12 साल 10 साल कम से कम 10 साल रखिए, 10 साल का अभ्यास जिसको है उसको योग बल है, 20 साल से अधिक है उनको योग शक्ति है और 30 साल से अधिक उनको योग सिद्धि है। इसलिए बल मिलने के लिए 10 साल का अभ्यास करना चाहिए और 10 साल जो योगाभ्यास किए हैं उसको ये क्रूर घोर स्थिर आवृत और व्याप्त व्याधि तो असंभव है, नहीं आ सकता है। यदि वो आता है तुरंत निकल जाता है, वो वहां नहीं बैठ सकता है, जो अनुरूप वातावरण में तो व्याधि नहीं रह सकता ना, इसलिए उनको छोड़ के वो चल जाएगा। और बुद्धि के बारे में हम बोलेंगे, बुद्धि के बारे में योगों से नहीं तो योगाभ्यास से क्या क्या फल मिलता है। ये योगाभ्यास से जो ज्ञान है, आप पुस्तक देख के पुस्तक के साथ युद्ध करते हैं, पढ़ाई में है पुस्तक के साथ युद्ध करते हैं ना, प्रेम कौन करता है, और नौकरी में जो हमको उद्योग दिया है वो काम के साथ हम लड़ाई करते हैं,
दोनों जगह में तो हम